हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मंगलम इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड अपडेटेड जीएमपी के बारे में। हमने इस आईपीओ से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसमें हमने कंपनी के बारे में बात की थी कि कंपनी क्या काम करती है, क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है। फिर हमने इसके साथ साथ इस कंपनी के फाइनेंस देखे थे, जिसमें हमने देखे थे एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमने इसके केपीआई फैक्टर देखे थे, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, और जो भी इन सबके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट थे, उन सबको कंसीडर करते हुए हमने एक एनालाइज किया था कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी तक किसी ने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी है, तो मेरा आपको सबसे पहला सजेशन यही है कि सबसे पहले जाके आप वो डिटेल वीडियो देख लें, जिससे आपको कंपनी के बारे में पता चल सके कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसके जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट है, उन सबको कंसीडर करते हुए आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप उसे एंड स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाकर वो डिटेल वीडियो देख ले, जिससे आपको कंपनी के बारे में पता चल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जाके जब भी कोई मैं आगे अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ, किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग, या फिर नया आईपीओ आता है उसके रिगार्डिंग कोई वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना चल रहा है, और जब ये आईपीओ क्लोज होगा तब तक इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जाने के कितने चांसेस होंगे। तो जो एनकोर इन्वेस्टर है, उसके लिए जो शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने, 30,22,000 के शेयर्स ऑफर किए हैं, और सेम शेयर्स की बिड चल रही है। मार्केट मेकर के लिए 5,24,000 के शेयर्स एप्लीकेशन शेयर ऑफर किए हैं, और जो क्यू आई बी कैटेगरी है, उसके लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं, वो किए हैं 8,82,000 के, यानी कि जो ऑफर आया, यानी कि एप्लीकेशन आई है अभी तक, वो आई है 8,06,000 की। यानी जो क्यू आई बी कैटेगरी है वो 0.91 चल रहा है, यानी कि जो क्यू आई बी कैटेगरी है वो 0.09 से अंडर सब्सक्रिप्शन चल रही है। और जो एन आई आई कैटेगरी है, उसके लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं, वो किए 6,60,000 के, और जो बिड आई है, यानी कि एप्लीकेशन आई है, वो आई है 81,74,000 की। यानी जो एन आई आई कैटेगरी है वो 12.38 से ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, और जो रिटेल कैटेगरी है वो 31.19 से ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो जो रिटेल कैटेगरी है, उसके लिए जो कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं, वो किए हैं 15,44,000 के, और जो बिड आई है, यानी कि एप्लीकेशन आई है, वो आई है 4,81,54,000 की। तो अगर जब हम देखें कि जब आईपीओ क्लोज होगा, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितने जाने के चांसेस है, जैसे कि आईपीओ कल तक क्लोज होने वाला है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 3 से 5 बजे के बीच में अप्लाई करते हैं। तो अगर किसी भी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस 5 चल रहा होता है, तो 50 चल जाता है, 50 चल रहा होता है 300 चला जाता है, 300 चल रहा होता है तो 700 के पार भी चला जाता है। डिपेंड करता है जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उस समय उस आईपीओ का जीएमपी कैसा चल रहा है, इसके साथ साथ उस कंपनी की फाइनेंस एंड केपीआई फैक्टर कैसे हैं, एंड मार्केट कंडीशन कैसी है। इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा सकता है। तो अभी फिलहाल जो जीएम है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसके जो फाइनेंस हमने डिटेल वीडियो में देखे थे, और जो अभी फिलहाल 31.19 सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तो इसका अगर हम देखें तो इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है 300 से 700 के आसपास इसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहने के चांसेस है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के अपडेटेड जीएमपी के बारे में। 19 जुलाई 2024 को इसका जीएमपी था 10 रुपए, 20 जुलाई को और 21 जुलाई को सेम जीएमपी चल रहा था 10 रुपए 10 रुपए का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 17.86% का। एंड 22 जुलाई 2024 को इसका जीएमपी 38 रुपए हो गया, जो हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 67.86% का। एंड 23 जुलाई 2024 एंड 24 जुलाई 2024 जब ये आईपीओ ऑन हुआ, तब भी इसका जो जीएमपी था वो 46 हो गया था, यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 82.14% इसका जीएमपी हो गया था। एंड 25 जुलाई 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उस समय जो इसका करंट जीएमपी चल रहा है वो भी सेम चल रहा है, 46 रुपीज का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 82.14% का। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि अगर जो आईपीओ इसी प्राइस पर और इसी जीएमपी पर लिस्टेड होता है, तो हमें कितने अमाउंट तक का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, तो जैसा कि इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,12,000 का, तो अगर हम उसमें जीएमपी ऐड कर दें 82.14%, तो हमें लगभग 92,000 के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, अगर ये इसी प्राइस और इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है। तो
तो आज हम फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि क्या हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जब हमने इस आईपीओ की डिटेल वीडियो देखी थी तो उसमें जो हमने कंपनी के फाइनेंस देखे थे, फाइनेंस में एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारे क्या थे, पॉजिटिव में थे, यानी कि लगातार हर साल इंक्रीज थे। तो इसलिए हमने क्या लिया था, इनको एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट में थे। फिर हमने इसके केपीआई फैक्टर देखे थे, केपीआई फैक्टर में जो थे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारे क्या थे, 15 से ज्यादा थे। तो ये भी हमारे लिए क्या थे, एक तरह के प्लस पॉइंट थे। फिर इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो भी एक से कम था, तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट था। और अभी फिलहाल जो इसका जीएमपी चल रहा है वो कितना चल रहा है, 82.14% जीएमपी चल रहा है। जैसे कि एक एसएमई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ जो होते हैं हाई रिस्क वाले आईपीओ होते हैं, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 0% रिस्क लेना चाहते हैं, तो ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें। जब आईपीओ क्लोज हो रहा हो उस समय उसका जीएमपी कितना चल रहा हो, 100% चल रहा हो, साथ साथ उसके फाइनेंशियल एंड केपीआई फैक्टर भी कैसे हो, पॉजिटिव पॉइंट में हो। और अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है तो उसमें जो रिस्पेक्टर होगा वो 20 से 30% का रिस्पेक्टर होगा। ये 20 से 30% का रिस्पेक्टर इसलिए है क्योंकि जब आईपीओ क्लोज होता है और जब आईपीओ लिस्टेड होता है उसमें जो डेज का डिफरेंस होता है वो कई बार काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस बीच हो सकता है कि मार्केट डाउन चला जाए या फिर कंपनी के रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे इसका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट इस आईपीओ पर पड़े। तो जिस भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में होगा, अगर उस समय मार्केट डाउन जाता है या कंपनी के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो उस आईपीओ के जीएमपी को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है कि वो नेगेटिव पे लिस्टेड हो जाए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कभी आईपीओ लिस्टेड होता है और जिस आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है, उसके फाइनेंस केपीआई फैक्टर सारे पॉजिटिव पॉइंट में है और मार्केट कंडीशन भी अच्छी चल रही है, तो वो आपको काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो रिस्क उठाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो जैसे कि अभी फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी कितना है, 82.14%, यानी 60 से 100% के बीच में इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कितना है, 20 से 30% का रिस्क फैक्टर है। तो मैंने अपना फाइनल डिसीजन बना लिया है इस आईपीओ को लेकर कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रही हूँ। हाँ, 20 से 30% का रिस्क फैक्टर है, पर मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। पर आप तभी इस आईपीओ में अप्लाई करना जब आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है, अदरवाइज मत करना। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये रिस्क उठाना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप ये रिस्क उठा सकते हैं तो अप्लाई कीजिए, और अगर नहीं उठा सकते हैं तो मत कीजिएगा। पर मैंने अपना डिसीजन बता दिया है कि मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ। और जैसे कि अभी तक ये आईपीओ क्लोज नहीं हुआ है, ये आईपीओ कल 26 जुलाई को क्लोज होने वाला है। तो मान लीजिए कल तक इस आईपीओ जीएमपी 60% से कम हो जाता है या फिर 100% से ज़्यादा चला जाता है, तो आज जो मैंने अपना डिसीजन लिया है अप्लाई करने का, उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है आगे जाके, तो ही मैं आपको उस आईपीओ की अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। पर तभी लेकर आऊंगी जब मेरे जो डिसीजन लिया है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो उस वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, आप सबसे पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आगे कोई अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ के रिगार्डिंग, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो मैंने आपको मेरा फाइनल डिसीजन बता दिया है, तो अगर आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।